Hey guys, it's Vedant Kaushik. Welcome back to Vedant Kaushik Vlogs. जैसा कि हम मतलब रोज कुछ नया इंटरेस्टिंग करते हैं, तो आज हम दरअसल प्लस काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज हमारा सिलेक्शन है किसके लिए, जो हमारा कैंप आने वाला है 15 तारीख से, उसके लिए सिलेक्शन है, तो उसके लिए मेहनत करवा रहे हैं थोड़ी सी। जो जो अप्रोप्रिएट होगा पक्का वही जाएगा, मतलब ये तो कन्फर्म ही है। हमारे साथ राम भैया बने हुए हैं और सौरभ बनाई हुआ है, यही लोग चलते हैं हमारे साथ। देखो हम ज़्यादा दोस्त यार हमारे हैं नहीं, यहाँ जानते समय पर दोस्त यार ज़्यादा नहीं, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। स्टार्ट कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया आज के ब्लॉग का, आगे चलते हैं। हाँ तो भैया जी, जैसा कि आपने अभी देखा था कि हम बटालियन में थे, और बटालियन में जो प्रोसेस था जिस काम के लिए बुलाया था वो हमने पूरा कर लिया है, और कन्फर्मली अब हम कैंप के लिए तैयार हैं, मतलब कैंप जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो गया है। अब वहाँ से आने के बाद हमें थोड़ा भूख लग रहा था, तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया, थोड़ी देर रुके, हम थोड़ी हवा लेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे, जो समोसा खाएंगे मेन चीज़ तो ये, और फिर अपने घर जाएंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही है बताने के लिए, मिलते हैं आगे। जा रहा भाई, बाय यार, ये जा रहा है, ठीक है हम इसको जाने देंगे, हम अपने घर से आ जाएंगे। हमको भी तो यार अपने घर जाना है, तो हम अपने घर चलते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देख रहे हो भाई लोगों की वहाँ पर दीपक खड़ा है और शुभम भी खड़ा है, मतलब दीपक का भाई। यहाँ पर हमें पर है ना, इन लोगों को पता नहीं है मैं पीछे से आने वाला हूँ, और मैं आ गया, मुझे पता है तो पीछे से ही आएगा भाई, हमारा स्टिंग लेके आया, रियल भाई यही है। चलो जरा मुड़ के आते हैं, गर्म कांड तो करो। हाँ बोलो, से ब्लॉग बन रहा भाई साहब, बड़े दिन बाद ब्लॉग बना रहा भाई, मोटिवेशन मिला मेरे को अभी, अभी पता है तेरे को ने दिया कैटरीना के, अपना हुआ तेरे को भी तो ले ले कूद ले, देख स्लो मो में डालूंगा। स्टिंग पीने के बाद दोबारा से माउंटेन ड्यू पी रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, मैं भी तो पी रहा हूं, मैं भी तो यार हम ना ट्यूटोरियल बना रहे हैं हाउ टू ड्रिंक स्प्राइट, स्प्राइट को कैसे पिए, तो देखते हैं कैसे पीते हैं। पूरे 15 रुपए की आती है यार, ये तो पूरा हम वसूल करके जाएंगे। दीपक को बहुत बहुत शुक्रिया स्प्राइट के लिए, कोई बात नहीं है भाई, पी लेंगे कल, ठीक है भाई, बाय। कल तो जा रहा है तू, अरे कल तो जा रहा है ना तू, अबे कल तो जा रहा है तू, अभी तो सुबह मिल जाएंगे, ठीक है सुबह। तो है गाइस, इट्स वेदांत कौशिक, वेलकम बैक टू वेदांत कौशिक ब्लॉग, जहाँ हम रोज कुछ अच्छा नया इंटरेस्टिंग सा करते हैं। तो दरअसल हम आ गए हैं यहाँ पर, हमारा असाइनमेंट था जो कि हम जमा कराए हैं बीएसए में, और यहाँ पर यार इन लोगों ने बुलाया था, जबरदस्ती बुला लिया, सीनियर्स भी हैं तो ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता, पर हाँ ये बोला है मैंने कि हाँ इन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया, अब बुलाया तो बुलाया है, अब कुछ कर नहीं सकते, आ गए हम यहाँ पर और कुछ काम है तो वो करेंगे, और कैंप आने वाला है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, तो जल्दी कैंप जाएंगे, उसी की वजह से बार बार आना पड़ रहा है यहाँ, नहीं तो इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं करता भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं करता, सच बोल रहा हूँ कसम से। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank. हम ऑफिस बंद कराए हैं और आ गए हैं यहाँ पर फोटो स्टेट कराने, जरा फॉर्म्स कम पड़ गए थे, और हमारे जो कैडेट्स जो जा रहे हैं कैंप में वो बहुत गिनती में है, 30 हैं, 30 हैं, और हमारे पास फॉर्म सिर्फ 6 थे, तो हमने कहा कि भाई फोटो स्टेट करा लेते हैं, फोटो स्टेट कराने के बाद कल उनको हम बांटेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो फॉर्म फिल करके लाएंगे, और फिर सारा प्रोसेस होगा, क्योंकि 15 तारीख से हमारा कैंप है, तो जल्दी जल्दी सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, तो यहीं फ़ोटो स्टेट कराएंगे हम। कौशिक भैया के यहाँ हमारे जानकार है थोड़े, तो उन्हीं के यहाँ फ़ोटो स्टेट कराएंगे, और फोटो स्टेट करा के फिर घर जाएंगे। तो अभी फोटो स्टेट हो रही है, तो थोड़ी सी चलाई दिखाते हैं, तो मैं फ़ोटो स्टेट होते हुए मशीन की तो चल।
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlled. Lightning cable कहते हैं इसको, connector कहते हैं, जो हमारा mic है ना उसमें है ना, ये केबल सीधे कनेक्ट नहीं होती क्योंकि इसमें होल टाइप का नहीं होता, वो ये चार्जिंग केबल में लगाना पड़ता है, चार्जिंग वाला जो रहता है आपका। तो उसके लिए एक अलग से लाइटनिंग केबल ली मैंने, उसका है ना आगे का ऊपर का हिस्सा निकल गया, वो मैंने सोचा कि चेंज हो गया पर नहीं कर रहे वो, वो कह रहे हैं इसमें फेविक्विक लगा लेना, तो वही करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने तो कह दिया, अपने हाथ झाड़ दिए उन्होंने, कह दिया कि भाई नहीं होगी। तो चलो सह लेंगे, करेंगे उसको सही कर लेंगे थोड़ा। तो चलते हैं अब घर, मम्मी का ही फ़ोन आ रहा है यार मेरे को, दिख रहा है, और चार्जिंग भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, 20% बची है बस। तो अब जल्दी से घर चल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। चलो ठीक है, बाय भाई, जा रहा है बाय, हाथ मिला लिया उससे, साइकिल ले लूँगा मैं अपनी, भाई साइकिल ले आ रहा है, कितना चला गया, ठीक है घर जा। Hey guys, it's Vedant Kaushik. Welcome back to Vedant Kaushik Vlog. जहाँ हम रोज कुछ अच्छा नया इंटरेस्टिंग सा करते हैं। तो दरअसल हम आ गए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मथुरा में, और यहाँ पर हम आए हैं वैक्सीन लगवाने। मेरी एक डोज लग गई थी, दूसरी डोज लगवाने आया हूँ, तो आज लगवाएंगे, प्रॉपर वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, बढ़िया रहेंगे, और कोरोना फिर हमको नहीं छुएगा, अभी भी नहीं छू सकता, एक वैक्सीन लग गई, पर दूसरी लगवा लेंगे तो ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। तो चलते हैं दूसरी वैक्सीन लगवा। तो भैया जी लगवाएंगे वैक्सीन, यही रास्ता है। क्योंकि वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, बड़ी तेज चुभने वाली है, अभी तो मैं खुश हूँ, मजे ले रहा हूँ, पर जब वैक्सीन लगेगी ना तो बहुत दर्द होने वाला है, आज तुम्हारा भाई ना सारे दर्द। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. मतलब जैसे मैंने लगवा ली अपनी सेकंड डोज, मतलब मेरी डोज दोनों कंप्लीट हो गई, ऐसे आप भी लगवाओ। सर एक बूस्टर डोज होती है, वो कब लगेगी? 9 महीने बाद, मतलब अब सेकंड डोज लगवा ली ना मैंने, तो मैं 9 महीने बाद दोबारा आऊँगा वो बूस्टर डोज लेने, प्रिकॉशन डोज लेने। तो आप भी लगवाएं दोनों अपने, और सेफ हो जाएं बिल्कुल, कोरोना क्या कुछ भी नहीं छुएगा अपना, ठीक है चलते हैं। सो हे गाइस, हम अब जा रहे हैं ज़रा हमारे पिताजी के काम से, और जंक्शन जाना है, डाकघर का काम है, थोड़े जो पार्सल है वो देना है हमको, पेपर्स हैं उसमें है, जो कि जाना है लखनऊ जाना है, तो उसी को देने आएंगे। अंकल जी कब तक पहुँच जाएगी? परसों तक, ठीक है थैंक यू अंकल। तो जैसा कि तुमने देखा, हमने ना मतलब अपना जो पार्सल था वो दे दिया, यहाँ पर काम हो गया अपना, तो अब चलते हैं घर। गर्मी बहुत है यार, देख रहे हो तो मेरे हाल, मेरे बाल वगैरह सब खराब हैं, कैप लगा रखी मैंने NCC की, अब मुझे छाई में खड़ा होना पड़ा, कितनी धूप है पीछे, और रेलवे स्टेशन तो आई, अब घर जा रहे हैं, तो चलते हैं फिर घर, ठीक है बाय। तो यार ये तुम देख रहे हो, ये वाइट वाइट सा ये जो बना हुआ है यार, ये रोड सी बनी हुई है, बहुत बढ़िया बना दिया यार, मतलब टनल टाइप का सा बना दिया, और बहुत सही है यार, मतलब मेरे सामने बना नहीं था ये, बहुत दिन से यहाँ काम चल रहा था, और समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बना रहे हैं, कैसा रास्ता बना रहे हैं, इतना टाइम हो गया, कम से कम 2-3 साल हो गए इसको, पर बना बहुत ही बढ़िया है, बहुत सही बना है, और मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना सही बन जाएगा, बहुत सही बना, देखो तो मैं दिखाता हूँ कैसा है।